हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है क्या है आप दोनों के दिल में, प्यार या गुस्सा। तो इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, कौन गुस्से में है, कौन लविंग एनर्जी में है, किसकी क्या एनर्जी है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। सो इस तरफ आपकी एनर्जी होगी हमेशा की तरह, मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी। तो इस डेक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आप दोनों के साइड में। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के दिल में और क्या है उनके पार्टनर्स के दिल में, प्यार या गुस्सा। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। चलिए म्यूचुअल कार्ड्स भी लेंगे हम। तो 1 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपकी तरफ से एंड 1 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से। ये म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। 1 2 3 4 5 6 बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सो देखते हैं, पहले आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपकी तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में प्यार है या गुस्सा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी में प्यार तो हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। तो गुस्सा है, डेफिनेटली है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्परर मोड में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं। अब आप नहीं झुकेंगे, ये वाली एनर्जी अगर आपके अंदर आ गई है तो ये एम्परर की एनर्जी होती है। किसी के आगे ना झुकना, रूल करना। आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर पर आप रूल करें और उनकी सारी जो भी एनर्जी है वो आप ही के इर्द गिर्द होनी चाहिए, किसी और के आसपास नहीं जानी चाहिए। पोजेसिव हो सकते हैं। एम्परर जैसे अपनी प्रजा के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, लॉयल रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, वैसे ही आप इस वक्त उस एनर्जी में हैं। आप अपने ऊपर बहुत वर्क किए हैं। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारा इनर वर्क आप में से काफ़ी सारे लोगों ने करा है। और ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप ग्रो कर सकें और आप ग्रोथ को अचीव कर भी रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपने लाइफ में अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है, क्योंकि आपको पता चला कि आप किसी जर्नी में हैं, चाहे सोल कनेक्शन में हैं या हो सकता है आप लोअर वाइब्रेशन में रहे हों। आपको कहीं से गाइडेंस मिली हो कि आपको हायर वाइब्रेशन में जाना चाहिए ताकि आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफ़ें दूर हो। तो आपने अपने आप पर बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और अब आप अपने पूरी पावर में हैं, एक तरह से कहा जाए शक्ति रूप में हैं। चाहे आप मेल हों फीमेल हों, आपने बहुत ग्रो किया है, इंडिपेंडेंट रहना सीखा है, चेजिंग एनर्जी से बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप आंखें बंद करते हैं, चाहे दिन भर आप कितना भी बिजी करें खुद को, बट जैसे ही आप अकेले होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हों या लाए जा रहे हों पेरेंट्स के द्वारा, बट आप कन्फ्यूज्ड हैं कि यार मैं क्या करूँ, मतलब कितना वेट करूँ। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आने का या आपको कमिटमेंट देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं बट आप उन्हें छोड़ दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे श्योरिटी मिलेगी, क्या मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में आएंगे या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, कब तक मैं आखिर वेट करूँ। अगर पेरेंट्स का प्रेशर है तब तो और मुसीबत है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेरेंट्स तो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी शादी करा के ही मानेंगे।
तो ये सारी सिचुएशंस आप झेल रहे हैं अकेले, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपके दिल में लव तो है लेकिन गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का नहीं है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में हैं या किसी सिचुएशन में हैं या जॉब पे फोकस्ड हैं, इस बात का गुस्सा नहीं है। आपको इस बात का गुस्सा है कि वो आपको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। भले वो आपको एक बार मैसेज करके बोल देते हों कि वो आपसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है आपके लिए। अब आप एम्परर एनर्जी में हैं, अब आप चाहते हैं कि आएँ और मुझे क्लैरिटी दें, मुझे कमिटमेंट दें कि मेरे लाइफ में आगे उनके साथ फ्यूचर है या नहीं। तो ये आप गुस्से में लीजिए चाहे आप क्लैरिटी में लीजिए, बट ये एनर्जी है आपकी। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स की तरफ। अब मैं देखूँगी आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। सो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, थर्ड कार्ड है द मून, फोर्थ द सन, सारे मेजर अरकाना हैं, तीन तीन मेजर अरकाना, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर के साइड सभी साइंस आए हैं। लियो स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एरीज लियो सेजिटेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, सभी साइंस हैं। तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए लव है, बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा गुस्सा भी है। स्पेशली टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। इस बात का उनको खुद पे गुस्सा है कि मैंने हमेशा आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, हमेशा आपको हल्के में लिया है, जबकि ये आपके बिना नहीं रह सकते या नहीं रह सकती। ये जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट डाला है और हमेशा आपकी तरफ से ही एफ़र्ट हुआ। अगर इन्होंने एफ़र्ट डाला है तो सिर्फ शुरुआती दिनों में डाला है, जब इससे आप इनके लाइफ में इंटर कर दिए या आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद से इनका एफ़र्ट डाउन हो गया। ये आपको हल्के में लेने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपकी वैल्यू, इन्हें ऐसा लगा कि नहीं आप तो इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बंदा या ये बंदी तो मेरे लिए ही है और हमेशा रहेगा या रहेगी, तो वो इंसान की फिर वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अब इन्हें इस बात का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये रह रहे कि इस बात को गिल्ट फील भी करते हैं। द मून की एनर्जी यही बता रही है कि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, ये जानते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी आपसे उतना ही अटैचमेंट फील करते हैं, ये भी आपको उतना ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्ट करते हैं अपने इमोशंस को। इनके दिल में प्यार भरा हुआ है, आपके लिए केयर है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमेशा जैसे होते हैं ना कि घर में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है जो कि हमेशा अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करता रहता है, उस तरह की एनर्जी है इनकी। हमेशा प्रोटेक्ट करना, आपके एक्शंस पे ध्यान देना, आपके रिएक्शंस पे ध्यान देना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो लव है बट शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं, और ये इनकी वीकनेस है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना प्यार करती हूँ तो मैं तो दिखा देती हूँ, बट ये दिखाते क्यों नहीं? अगर इतना प्यार है तो बात क्यों नहीं करते? अगर इतना प्यार है तो ये एफ़र्ट क्यों नहीं करते? और अगर इतना प्यार है तो ये एटलीस्ट एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? बट इनका नेचर ही ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्ट करते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, और यहाँ पर जब इनको ऐसा लगता है कि अब अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया या अब अगर इन्होंने नहीं बोला तो शायद मामला बिगड़ जाएगा, तब ये ओपन अप होते हैं, तब ये एक्शन लेते हैं, तब ये आपकी तरफ रिटर्न आते हैं, तब ये आपको एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वापस इनकी एनर्जी वापस से द मून की हो जाती है। रेजिस्ट करना, छुपाना, स्विच करते हैं एनर्जीज़ को। लेकिन यहाँ पर प्यार है या गुस्सा, तो यहाँ पर इनकी एनर्जी में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है, बहुत सारा प्यार है। भले इनके लाइफ में कुछ ख़राब सिचुएशंस चल रही हों, स्ट्रगल चल रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, कहीं अटका हुआ, कहीं बंधा हुआ, कहीं फियर में फील कर रहे हों, लेकिन ये पॉजिटिवली निकलेंगे इस सिचुएशन से। ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। स्ट्रैटेजी की एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
फैमिली इन्वॉल्वमेंट या सिचुएशंस हो सकती हैं ज़्यादातर लोगों के लाइफ में, लेकिन सन की एनर्जी है तो जो होगा बेस्ट होगा, आपकी तरफ एक्शन लेंगे डेफिनेटली। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द चैरियट, द स्टार। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो शुरू के दो कार्ड्स हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है अब या तो बैलेंस कर लो या तो मैं निकला अब इस रिलेशनशिप से, या निकली मैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि अब मेरे बस में नहीं है और पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। सब्र का फल अब मिल जाए वरना शायद अब लेट हो जाएगा। या तो आप वेट कर सकते हैं बट आपके पास समय नहीं है, मे बी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली या कोई सिचुएशंस आपके पीछे पड़ी हुई हैं। आप में से कई लोग बहुत बैलेंस में हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी है, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश आपने कर रखी है। और कुछ लोगों की एनर्जी बहुत लोअर वाइब्रेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हार रहे हैं, वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है म्यूचुअल में। और आपके पार्टनर होपफुल हैं, आपके पार्टनर चैरियट की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सन की एनर्जी भी आई थी और यहाँ से चैरियट आ गया। आपको होप रखनी है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको होप रखनी है, ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ और ये बहुत जल्द आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी डाउट्स है, उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखते हैं कब तक आएंगे आपके पार्टनर्स। वैसे यहाँ से सेवन नंबर है, देखते हैं डेक से सेवन नंबर आता है या कोई और नंबर आता है। कब तक वापस, पहला ही कार्ड सेवन नंबर आ गया, सेवन नंबर ही है डेफिनेटली, नंबर सेवन। सो सेवन नंबर आया है, दो कार्ड और लूँगी मैं। कब तक वापस आ जाएंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में। अगेन बॉटम ऑफ द डेक सेवन नंबर, इट्स अ कन्फर्मेशन कि सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है। डबल सेवन की एनर्जी आ गई है। सो सेवन डेज, सेवन वीक्स के अंदर या सेवन आवर्स के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ ना कुछ मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ श्योरिटी देंगे, चाहे एटलीस्ट वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो कहाँ सिचुएशन में अटके हैं या कितना वक्त लगेगा या उनके इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं या उनके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हैं। यहाँ पर सेवन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनसे भी ये एनर्जी या ये रीडिंग रेजोनेट करी है उनके पार्टनर का कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ आपको दिखेगा विद इन सेवन वीक्स, विद इन सेवन डेज, विद इन सेवन मिनट्स और आवर्स। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।